मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली आदिल बाजई को नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने NA 262 की नशस्त को खाली करार दे दिया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये आदिल बाजई जो मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली थे उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी सीट करते हुए क्वेटा NA 262-1 की सीट को खाली करार दिया। इनके खिलाफ 63A के तहत पार्टी सरबराह नवाज शरीफ की जानिब से नाअहली का रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया गया था और वो रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया, जिसमें ये कहा गया था, रेफरेंस में ये कहा गया था कि ये इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हुए थे। 17 फरवरी को वो मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हुए, जबकि 18 फरवरी को जो पार्टी सरबराह शहबाज शरीफ की जानिब से जो लेटर इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था उसमें यह कहा गया था कि यह पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इन्होंने ज्वाइन कर दिया और उसके बाद रेफरेंस दायर किया और रेफरेंस में यही मतन इख्तियार किया गया कि जब 26वीं आईनी तक। ठीक है उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया।